प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आइए पहले जान लेते हैं कि सोलिनॉइड होता क्या है बच्चों ये सोलिनॉइड है इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स हियर द नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड काफ़ी पास पास होती हैं और ये वायर इनेमल्ड होती है सो दैट द टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन एन अदर ये एक्सिस है सोलिनॉइड का और ये दो फ्री एंड्स हैं इस कंडक्टिंग वायर के और इन दो एंड्स को कनेक्ट करते हैं बैटरी के दो टर्मिनल्स से, से इस एंड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और इस एंड को नेगेटिव से तो इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करेगा यहाँ से पीछे से जो पार्ट नहीं दिख रहा है फिर यहाँ और फिर ये इस तरह से करंट फ्लो करेगा अब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा चलिए इस सोलिनॉयड को इसके छोटे से पार्ट को शो करते हैं अलोंग विद मैग्नेटिक फील्ड तो ये सेक्शन है सोलिनॉइड का इन एन एनलार्ज मैनर ये सिक्स टर्न्स हमने दिखा दी और यहाँ ऊपर ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि करंट uh, जो है करंट इज़ कमिंग आउट ऑफ द पेपर ये हमने सेक्शन शो किया इन द प्लेन ऑफ द पेपर और डॉट्स शो कर रहे हैं कि करंट जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड कमिंग आउट ऑफ इट यहाँ ये क्रॉसेस शो किए हैं यहाँ से करंट जो है यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है और करंट यहाँ से इट इज गोइंग इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर हियर ईच टर्न कैन बी रिकॉर्डेड एज ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ फील्ड्स ड्यू टू ऑल द टर्न्स करेंट केरिंग लूप के लिए हमने फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमने करेंट कैरिंग लूप को रखा था वाइज एड प्लेन में इन सर्च ए वे दट द सेंटर ऑफ द लूप कॉन्साइड्स विद द ओरिजिन और हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड आया था अलोंग एक्सेक्स दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ द कॉयल यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए थे और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन बाय राइट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन में हम फिंगर्स को राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कॉयल करें सो तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलिन में क्या है इस तरह की बहुत सारी लूप्स हैं टर्न्स हैं तो सोलिनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉयड डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल फिर से आ जाते हैं इस डायग्राम पर देखिए कि यहाँ से करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है इसकी वजह से इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा ये सर्कल्स शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय राइट हैंड रूल कर्ल करेंगे हम राइट right हैंड की फिंगर्स को इन सच ए वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट आउटवर्ड तो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं इस डायरेक्शन में मेंस की मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इसी तरह से इस टर्न में यहाँ पर भी ये सर्कल्स शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और देखिए कि ये जो यहाँ पर हैं नेबरिंग टर्न्स में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी नीचे वाले पार्ट में देखिए फिर आ, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें इन सच ए वे दैट द थम्ब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट यहाँ करेंट इनवर्ड है थंब इनवर्ड तो फिंगर्स ऐसे टर्न हो रही हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कल्स शो कर रहे हैं डिफरेंट टर्न्स के मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर भी देखें कि मैग्नेटिक फील्ड्स नेबरिंग uh, टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी यहाँ पर भी इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ होगा अलोंग द एक्सेस ऑफ द सोलिनॉयड सोलिनॉयड के अंदर सोलिनोइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ अलोंग द एक्सेस डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल अब यहाँ राइट हैंड अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो फिंगर्स इस तरह से थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन सोलिनोइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म एंड अलोंग द एक्सेस लेकिन जो बाहर है सोलिनोइड uh, के ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है इतना वीक है कि इट कैन बी कंसिडर टू बी ज़ीरो सो आउटसाइड द सोलिनइड मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेल इन साइड द सोलिनॉयड उसके लिए इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये डायग्राम हमने दिखा दिया ए लॉन्ग सोलिनॉयड जिसमें कि हमने टर्न्स दिखाई नहीं है लेकिन ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि करंट जो है डिफरेंट टर्न्स में इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर सोलिनॉयड सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर और ये क्रॉसेस जो है ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है इस लूप की हम बाद में बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा से समझ लेते हैं सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हैलिक्स वेयर द नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड Each turn can be regarded as a circular loop. Net magnetic field is the vector sum of the fields due to all the turns. Uh, enameled wires are used for winding so that turns are insulated from each other. A section of this solenoid is shown in an enlarged manner. It is clear from the circular loops. That the field between two neighboring turns vanishes. Humne abhi explained A magnetic field well inside the solenoid is uniform, strong, and along the axis of the solenoid. Magnetic field outside the solenoid, say at point Q, is weak and is along the axis of solenoid with no perpendicular component. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने देखा था कि वो कैंसिल हो जाते हैं वी शिल रिज्यूम दैट फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज पॉसिबल बाई इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर इन साइड द सोलिनॉइड अगर इस सोलिनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर रखें उसके ऊपर वाइंडिंग करें तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड विल भी मच स्ट्रोंगर बाई बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज फेरो मैग्नेटिक मटीरियल सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटीरियल जिसमें कि लाइन्स जो हैं दे आर मैग फील्ड लाइन्स आर हाईली कंसनट्रेटेड इन सॉफ्ट आयरन चलिए अब डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेल इन साइड द सोलिनॉयड फॉर दैट लेट्स कंसिडर ए लॉन्ग सोलिनॉयड लॉन्ग uh, सोलिनॉइड से हमारा क्या मतलब है इट मीन्स दैट द सोलिनॉइड लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स रेडियस लेट एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉयड मीन्स की यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स एन टर्नस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सपोज वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वैसे तो यहाँ वेल इन साइड द सोलिनॉयड एडजस्ट को छोड़ करके अंदर जो है सोलिनॉयड uh, में फील्ड uh, जो है वो यूनिफॉर्म है तो ये पॉइंट पी यहाँ भी ले सकते हैं यहाँ भी uh, अंदर जो है कहीं पर भी ले सकते हैं सो so, यहाँ हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुटर लॉ उसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक क्लोज लूप ए बी सी टी जब हमने प्रूव किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ तो हमने वहाँ सर्कुलर लूप ली थी बट द लॉ इज़ वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ द लूप सो वी कंसिडर एन एम्पीरियन लूप ए बी सी टी एंड क्लोजिंग पॉइंट पी इसको एम्पीरियन लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्पियर ने ये लॉ दिया था So let's consider an Empyrean loop A, B, C, D and closing point P. According to Ampere's circuit law, a line integral of magnetic field B vector over a closed path here A, B, C, D. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वैक्टर ओवर क्लोज पाथ ए बी सी डी इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई एंड क्लोज्ड बाय द लूप आई इज द टोटल करंट एंड क्लोज्ड बाय दिस लूप इस इंटीग्रल को हम लिख लेते हैं बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर हियर बी वैक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड वेल इन साइड द सोलिनॉइड एंड सो ऑल्सो एट पॉइंट पी अंदर काफी अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहाँ पी पर भी वही वैल्यू डी एल वैक्टर इज स्मॉल लेंथ वैक्टर अगर यहाँ है ए टू बी तो डी एल की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी और अगर इस लेंथ पर है तो डी एल की डायरेक्शन होगी फ्रॉम बी टू सी इसी तरह से इधर और इधर इसको हम लिख लेते हैं फ्रॉम ए टू बी अब हम यहाँ से क्लोज्ड इंटीग्रल का साइन हटा लेंगे इस इंटीग्रल को हम फोर पार्ट्स में लिख लेंगे फ्रॉम ए टू बी पी टू सी सी टू डी एंड डी टू ए प्लस इंटीग्रल ऑफ बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर ए टू बी बी टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर फ्रॉम सी टू डी प्लस डी डॉट डी एल फ्रॉम डी टू ए इसको हमने ई फोर इंटीग्रल्स में लिख लिया दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई टोटल करंट एन क्लोज बाय द लूप चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ देखिए कि फ्रॉम ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन डी एल वैक्टर की भी यही डायरेक्शन दे आर इन सेम डायरेक्शन तो एंगल बिटवीन बी वैक्टर एंड डी एल वैक्टर इज जीरो तो इसको लिख सकते हैं बी इन टू डी एल इंटू कॉस जीरो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी बी टू सी देखिए कि डी एल वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री तो यहाँ क्या आएगा बी इंटू डी एल इंटू कॉस नाइन्टी ये इंटीग्रल बी से सी तक प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम सी टू डी यहाँ देखिए कि सी टू डी ये जो है दिस इज आउटसाइड द सोलिनॉयड और हमने कहा कि आउटसाइड साइड द सोलिनॉय मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो तो ये इंटीग्रल ज़ीरो हो गया बिकॉज वैल्यू ऑफ बी इज़ ज़ीरो अदरवाइज बी इन टू डी एल इन टू कोज कोसाइन ऑफ ये एंगल लिख लेंगे बी वैक्टर और डी एल वैक्टर तो ये इंटीग्रल ज़ीरो हो गया आगे देखिए प्लस इंटीग्रल बी इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ ये डी टू ए लिखना है यहाँ पर भी डी टू ए में देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस और डी एल की डायरेक्शन अलोंग फ्रॉम डी टू ए इस डायरेक्शन में तो यहाँ भी एंगल जो है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल वैक्टर इंटी डिग्री इक्वल इक्वल टू म्यू नॉट एंड टू आई अब देखिए कि ये इंटीग्रल कॉस जीरो वन बी क्योंकि यूनिफॉर्म है वेल इनसाइड द सोलिनॉयड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट तो हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे बी इंटीग्रल अंदर रह गया डी का कॉस जीरो वन फ्रॉम ए टू बी प्लस कॉस नाइन्टी ज़ीरो तो ये इंटीग्रल हो गया ज़ीरो दिस इज ऑलरेडी जीरो प्लस कॉस नाइन्टी यहाँ पर कॉस नाइन्टी जीरो तो ये इंटीग्रल ज़ीरो इक्वल टू मेू नाट इंटू आई अब ये देखिए कि बी इंटू ए टू बी तक कितनी लेंथ है ए टू बी ये लेंथ है एल सो so, हमारे पास डी एल का इंटीग्रल एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू अब हम यहाँ लगाएंगे फाइंड आउट करेंगे टोटल करंट एनक्लोज बाय लूप ए बी सी डी एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जैसे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फोर है इस लूप में तो यूनिट लेंथ में एन है तो एल लेंथ में कितनी हो जाएंगी एन इंटू एल इतनी हो गई नंबर ऑफ टर्न्स और एक टर्न में से करंट कितना फ्लो कर रहा है लेट आई इज द करंट थ्रू द सोलिनॉयड तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई इज इक्वल टू एन एल इन टू आई इसको दोबारा समझ लें देखिए कि ये एल लेंथ की ये रेक्टेंगुलर लूप है इसमें कितने टर्न्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो करंट कितनी बार कट कर रहा है इस लूप को फाइव टाइम्स तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा करंट एंड कितना हो जाएगा फाइव इंटू आई और हमारे पास कितनी है टर्न्स एन इंटू एल एल लेंथ में कितनी टर्न्स हो गई एन एल यूनिट लेंथ में एन और एल लेंथ में एन इन टू एल दिस इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स एनक्लोज इंटू करेंट करेंट इतनी बार कट कर रहा है सर्किट को तो इन टू आई तो ये हो गया टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप एन इन टू एल इन टू आई यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा तो बी कितना आ गया मे यू नॉट इन टू एन इं टू आई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूप डायरेक्शन क्या होगी राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करें इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट यहाँ से करेंट बाहर की तरफ आ रहा है यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्शन हो गई अलोंग पी एक्स सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेल इन साइड द सोलिनॉइड और आउटसाइड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी जीरो अच्छा कभी कभी यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नोन होते हैं लेट एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिन एंड लेट एल इज द लेंथ ऑफ द सोलिनॉयड टोटल लेंथ उस केस में हमारे पास एन कितना आ जाएगा एल लेंथ में एन टर्न्स तो यूनिट लेंथ में एन ओवर एल टर्न्स तो एन की जगह हम लिख लेंगे एन ओवर एल इन टू आई म्यो नॉट म्यो नॉट इज़ द परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम सोलिनॉयड इज़ प्लेस्ड इन वैक्यूम सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फार्मूला आ जाएगा अलॉन्ग एक्सेज ऑफ द सोलिनॉयड एंड अलॉन्ग पी एक्स चलिए एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं देखिए कि यहाँ हम देख रहे हैं कि करेंट यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर मीन्स द करेंट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज इस तरफ से हम देखें तो करेंट इन द लूपज

ये तो हुई सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी बिटवीन सॉलिनॉइड एंड बार मैग्नेट व्हाट इज द डिसिमिलैरिटी डिफरेंस बिटवीन सॉलिनॉइड एंड बार मैग्नेट सॉलिनॉइड के अंदर इनसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग बट आउटसाइड द सॉलिनॉइड इट इज